सत श्री अकाल स्काई न्यूज़ के न्यूज़ रूम लाइव तो मैं तुहाडे नाल प्रकाश फुलारा। इस वेले दी पंजाब तो सब तो वड्डी खबर आ रही है कि पंजाब दे कपूरथला शहर तो तुहानू दस दईए कि वड्डी खबर है कि हुण इस वेले दी जिहड़ी वड्डी खबर आई है कि पैरासीटामोल बुखार दी दवा उसके खुलेआम वेचन ते कह लिता जावे तो बैन ला दिता गया, प्रतिबंध ला दिता गया। हुण कपूरथला शहर दे विच खुलेआम पैरासीटामोल जिहड़ी हैगी है बुखार दी दवा ओह नहीं विकेगी। इसनू खरीदन दे वास्ते हुण तुहानू डॉक्टर तो लिखाणा होवेगा, पर्ची बनाउणी होवेगी। उस तो बाद ही मैडिकल स्टोर दे विच जदों तुसी डॉक्टर तो लिखवाई हुई पर्ची दिखाओगे तो उत्थे तुहानू फिर जाके पैरासीटामोल बुखार दी दवा मिलेगी। लेकिन इस दौरान भी जिहड़े मैडिकल स्टोर होणगे उन्हां पूरा रिकॉर्ड अपने को रखना पवेगा कि आखिर किस व्यक्ति नू पैरासीटामोल दित्ती गई है, क्यों दित्ती गई है ते किहड़े होस्पिटल के डॉक्टर या फिर डिस्पेंसरी के डॉक्टर ने मरीज़ नू इस नू लैन की सलाह दी है। इस दे नाल ही तुहानू दस दईए कि एक दूजी दवा भी हैगी है अजिथ्रोमाइसिन, इस नू भी हुण खुलेआम वेचण ते रोक ला दी गई है। कपूरथला शहर के जिहड़े डीसी ने उन्होंने यह आदेश जारी किए ने, तुहानू साफ तौर पर असीं वो नोटिफिकेशन भी दिखा रहे हैं जिहड़े डीसी दे वल्लों जारी किए गए हैं कि हुण शहर के विच खुलेआम पैरासीटामोल ते अजिथ्रोमाइसिन नहीं विकेगी। इसनू खरीदन दे वास्ते हुण डॉक्टर की पर्ची लेनी बेहद जरूरी होवेगी क्योंकि लगातार जिस तरीके दे नाल इस वेले पूरे पंजाब दे विच या कह लईए जावे तो पूरे देश दे विच कोविड दे जिहड़े केस ने हर दिन सामने आ रहे ने ते उस तो बाद लोग ज़्यादातर करके वैक्सीनेशन इस वेले पंजाब दे विच बड़ी तेजी दे नाल चल रही है। कोरोना वैक्सीनेशन तो बाद लोग ज़्यादातर जिहड़े हैगे पैरासीटामोल खरीद रहे ने ते जरूरत के मुताबिक वह पैरासीटामोल जरूरत तो ज़्यादा करके वह पैरासीटामोल खरीद रहे हैं तो उस तो बाद रोजाना उसनू अपनी जिंदगी दे विच इस्तेमाल कर रहे हैं। भावें किसी नू थोड़ा जा भी टैंपरेचर होवे तुरंत ही पैरासीटामोल लै रहा है। सेहत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ज़्यादा बुखार इस दवा नू लेना भी हानिकारक हो सकता है, जिस तो बाद हुण कपूरथला दे डीसी ने एक आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक हुण शहर के जिने भी मैडिकल स्टोर ने वो पैरासीटामोल ते अजिथ्रोमाइसिन दवा नू खुलेआम नहीं दे सकते, यानी कि इसनू खरीदन दे वास्ते जेड़े भी मरीज उत्थे पुज रहे ने उन्हानू डॉक्टर की परमिशन वाला एक लैटर पर्ची दिखाउणी पेगी। उस तो बाद ही कित्थे जाके उन्हानू पैरासीटामोल ते अजिथ्रोमाइसिन जेड़ी दवा हैगी है वह मिलेगी। मेडिकल वाले डॉक्टर साहब के बगैर पर्ची तो ना दी जाए नहीं तो उत्ते कोई एक केस दर्ज किया जाए की कहना चाहते जी। डीसी साहब ने हिदायत दी है, हुक्म जारी किए हैं, वो ये है कि भी पैरासीटामोल की कंबीनेशन वाली दवाई और एजिथ्रोमाइसिन जी है वो ऑन द काउंटर ना दी जाए और बड़ा ही वाजिब जहा डिसीजन है क्योंकि इस कोविड के दौर पर सारे लोग अपने आप ही दवाई लै रहे हैं और बिना किसी की डॉक्टर की सलाह तो दवाई लै रहे हैं। ये अनगहली जी रोकने वास्ते ही ये कदम उठाए गए। सर ये दवाई जी है ये कई जगह पर काम आती है जिदा कि बुखार हो गया या सिर दर्द हो गया या किसी और कोई प्रॉब्लम हो लोग बहुत ज़्यादा दवाई जी है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन तो दी जाए उ सानू करना चाहिए उ रूल्स है ऑन द टेबल अपने आप ऑन द काउंटर जी हैगी है दवाई देना ये गलत है। अगर कोई डॉक्टर की पर्ची तो बगैर कोई भी मेडिसिन वाला जो दुकानदार बेचता तो उसे की जो भी कानून के दायरे में रहते हुए जो भी कार्रवाई बनती होगी की जाएगी, सिर्फ रिकॉर्ड एक मेनटेन करना है और प्रिस्क्रिप्शन जी आ रही है डॉक्टर वालों वो हिसाब न दवाई देनी है।